सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर जैसे कि आपको देश के शिक्षा मंत्री अजय रमेश पोखरियाल जी जो हैं आपके 1 जून यानी आज के दिन क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बड़े अनाउंसमेंट करने वाले थे, एग्जाम्स को लेकर स्टैंड क्लियर करने वाले थे कि परीक्षाओं को लेकर गवर्नमेंट ने कौन से डिसीजन को माना है, यानी तीन ऑप्शन जो है देश के सामने यानी देश के पीएम जी को सौंपे गए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पहला ऑप्शन यह है कि परीक्षाओं को मेजर सब्जेक्ट करवाना, दूसरा ऑप्शन यह है कि 30 मिनट के एग्जाम को कराना, और थर्ड ऑप्शन यह है कि 9, 10, 11 के बेसिस पे रिजल्ट देना। लेकिन बात करें तो परीक्षाओं को जो फाइनल डिसीजन है उसमें छात्रों को और इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि अभी की जो खबर आ रही है शिक्षा मंत्री जी को जो है तत्काल आपके अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, यानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट की गई है। तो जैसे कि पता होगा हमारे देश के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं वो एक बार कोविड पॉजिटिव भी हो चुके हैं, लेकिन उनका रिपोर्ट जो है नेगेटिव भी आ गई थी, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गए थे, लेकिन उन्हें रिकवर करने में जैसे कि पता होगा कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो है रिकवर करने में कुछ टाइम लगता है, तो ऐसे में वो रिकवर भी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें एम्स में एडमिट किया गया है। तो हम अपने तरफ से और आप सभी की तरफ से प्रे करते हैं कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और फिर से स्वस्थ होकर वो क्लास 12th एग्जाम को लेकर जो पेंडिंग डिसीजन है उसे जल्द से जल्द करेंगे, यानी कि जो है उनका स्पीडी रिकवर के लिए प्रे करते हैं। तो क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर आप क्लास 12 के छात्रों को मैं बता दूं, अब ऐसे में आपका डिसीजन का क्या होगा, तो आपके डिसीजन जो है क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर फिलहाल जो है आज क्वेश्चन मार्क लग गया है, यानी कि बात करें तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लग गया है क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ही जो है क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर डिसीजन करने वाले थे। तो ऐसे में आपका ये हो सकता है जैसे कि आपको बात करें तो 3 जून को जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, तो वहीं पर सीबीएसई वो जो है अपना स्टैंड को रख सकती है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को जो है फाइनल डिसीजन आपको 3 तारीख को किया जा सकता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पे जो आपकी हियरिंग होगी तो वहां पे सीबीएसई बोर्ड अपना स्टैंड को जरूर से जरूर रखेगी। तो वहां पर ये हो सकता है कि यही सुप्रीम कोर्ट के बाद से ही आपको ये पता चल सके कि क्लास 12 को लेकर जो है अंतिम डिसीजन क्या ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो है डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी और वही डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा, यानी 3 तारीख सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है फैसले निकल के बात निकल के सामने आएगी जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज 1 जून पे जो है पूरी कंप्लीटली क्वेश्चन मार्क लग गया है क्योंकि फैसले आपके शिक्षा मंत्री जी ही करने वाले थे, तो ऐसे में क्लास 12 के छात्रों को वेट करना पड़ सकता है। तो वहीं क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर अब सीबीएसई बोर्ड जो है आपको शायद 3 तारीख को जो है 3 जून को जब हियरिंग होगी तो वहीं पर स्टैंड क्लियर कर पाएगी परीक्षाओं को लेकर। तो ऐसे में क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 के छात्रों को और वेट करना पड़ेगा, और वहीं शिक्षा मंत्री जी और हमारे देश भर के लाखों छात्रों का जो है आपके साथ प्रे है कि आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द ठीक होकर आप फिर से क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर आप क्लास 12 पे जो भी डिसीजन है उसे जल्द से जल्द दें और क्लास 12 के छात्रों का जो पूरी कंप्लीटली और हम सभी की तरफ से आपको जो है स्पीडी रिकवर के लिए हम आपके लिए प्रे करते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद। हेलो बच्चों, अगर आपके पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशंस, चाहे वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट्स का डाउट आपको मिलेगा डाउटनेट ऐप पे। साथ ही आप डाउटनेट पे पढ़िए कोटा के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट।